नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम मैदा के पापड़ बनाएंगे। इन्हें एक बार बनाकर धूप में सुखाकर रख लें और जब भी मन करे फटाफट तलकर खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। तो आइए मैदा के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। मैदा के पापड़ बनाने के लिए हमने प्याले में एक कप मैदा लिया है। हम इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। मैदा में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोलेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। अगर एक साथ सारा पानी डाल दिया जाए या ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो मैदा की गुठलियाँ ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और घोल पतला भी हो सकता है। एकदम चिकना घोल बन गया है। इसमें हम एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे तरीके से मिला देंगे और इस घोल को हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। बैटर तैयार हो गया है पापड़ बनाने के लिए और एक कप मैदा में एक कप पानी लगा है। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे। हमने एक भगोनी ले लिया, इसमें 2 कप पानी डाल दिया है और हम इतना बड़ा बर्तन लेंगे जितनी बड़ी हमारे पास प्लेट है, यानी कि हमारी प्लेट इस बर्तन के ऊपर अच्छे तरीके से आ सके, बर्तन को पूरा ढक सके। तो हमने पापड़ बनाने के लिए ये 2 प्लेट ले ली हैं। गैस ऑन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। हमने ये 4 थालियां ले ली हैं पापड़ सुखाने के लिए। तो इनमें हम थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें चिकना करेंगे। ये पापड़ बनाने की प्लेट है, इन्हें भी हम चिकना करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाएंगे। चिकनी की हुई प्लेट पर हम थोड़ा सा घोल डालेंगे। तो हम ये 2 टेबलस्पून घोल डाल लेते हैं इस प्लेट के ऊपर और इसे चारों ओर बिल्कुल एक जैसा फैला देंगे, यानी कि ये प्लेट में पूरा फैल जाए। ये हमने घोल को प्लेट में फैला लिया। पानी उबल रहा है और ये प्लेट हम उबलते हुए पानी के ऊपर रखेंगे। हमें पापड़ भाप में पकाने हैं और पापड़ को 2 से 3 मिनट ढककर पकने दें। 2 मिनट हो गए हैं, पापड़ का कलर चेंज हो गया है, पापड़ पक चुका है। हम प्लेट को उतारकर जाली स्टैंड पर रख देंगे और थोड़ी ठंडी होने देंगे। और इस प्लेट में हमने बैटर डालकर बिल्कुल उसी तरीके से फैला कर तैयार कर लिया है। इसे हम इस बर्तन के ऊपर रख देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से 2 मिनट ढककर पकाएंगे। और ये पापड़ ठंडा हो गया है, इसे हम प्लेट पर से निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा चाकू का सहारा ले लेंगे और इस तरीके से हाथ से पकड़कर पापड़ को प्लेट से उठाएंगे। जिस थाली में हमें सुखाना है उसमें इस तरीके से डाल देंगे। अब हम प्लेट को फिर से थोड़ा सा चिकना करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से बैटर डालकर पापड़ फैलाएंगे। बर्तन में पानी बहुत कम हो गया है, हम पानी और डाल देंगे और पानी में उबाल आने देंगे, यानी कि हम पापड़ को इसके ऊपर पकने के लिए तभी रखेंगे जबकि पानी में उबाल आ जाए, क्योंकि पापड़ को हम भाप में पका रहे हैं। अगर प्लेट पर बैटर लगा रहेगा और हम दूसरा पापड़ इस पर फैला देंगे तो वो पापड़ फिर बहुत ज़्यादा चिपक जाएगा, फट भी सकता है। तो हमें प्लेट बिल्कुल साफ रखनी है और इसे चिकना करना भी हमें भूलना नहीं है। ये हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए और इतने बैटर से हमने 17 पापड़ बनाकर तैयार किए हैं। पापड़ का साइज़ प्लेट की साइज़ से बनता है। प्लेट छोटी है तो छोटे पापड़ बनेंगे, अगर प्लेट बड़े हैं तो बड़े पापड़ बन जाएंगे। लेकिन हमने छोटे पापड़ इसलिए भी बनाए हैं, जब हम तलते हैं तो बड़ा पापड़ होगा तो कढ़ाई में बहुत सारा तेल भरना पड़ता है, क्योंकि इस पापड़ को तेल में डुबाकर तलना होता है। पापड़ अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो धूप में, जहाँ अच्छी धूप आ रही होगी, वहाँ एक चादर बिछाकर बड़ी सी पॉलीथीन बिछा दें और उसे बिल्कुल हल्का सा चिकना कर दें। पापड़ आप अपने गैस पर बनाएंगे तो वहाँ थाली में निकाल लें और थाली ले जाएं। बड़े आराम से हम इस पापड़ को थाली में से उठा सकते हैं। तो इस तरीके से उठाकर हम पॉलीथीन पर डालकर सुखा सकते हैं। पापड़ों को धूप में सुखाने के लिए रख देंगे और 2-3 घंटे बाद हम इन्हें पलट देंगे। इससे पापड़ थोड़े सीधे सूखते हैं और थाली से
या पॉलीथीन से चिपकते भी नहीं है। तो अभी हम ये पापड़ सुखाने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 दिन की धूप में हमारे पापड़ सूखकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इन्हें तलेंगे। 3 दिन में हमारे ये मैदा के पापड़ एकदम अच्छे सूखकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें तलेंगे। तलने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। पापड़ तलने के लिए तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए। तो हम एक पापड़ डाल के देखते हैं, हमें पता लग रहा है इतनी दूर तक भी तेल की अच्छी हीट आ रही है, तेल गरम है। तो हम एक पापड़ डालकर तलते हैं। पापड़ तुरंत तेल में जाकर फूलना चाहिए। तेल बहुत अच्छा गरम हुआ है, पापड़ एकदम फूलकर तैयार हुआ। पापड़ हमारा तुरंत तल जाता है, गरम तेल में जाते ही फूलता है और पापड़ तलकर तैयार है। पापड़ को हम प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे पापड़ तलकर तैयार करेंगे। पापड़ को हम तेल में डालकर कलछी से इस तरीके से दबा देंगे ताकि वो एक जैसा बढ़कर तैयार हो, एकदम फूलकर ऊपर ना आ जाए, तेल के अंदर ही रहे। पापड़ हमारे तलकर तैयार हैं और बहुत जल्दी तल जाते हैं। एक बार तेल गर्म हो जाए फिर फटाफट पापड़ तल जाते हैं। पापड़ में हमने खाली नमक डाला था, हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला अगर छिड़क कर सर्व करें, टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। और पापड़ बनाने का तरीका आपने देख ही लिया है, कितनी आसानी से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। पापड़ पूरी तरह सूखने के बाद किसी भी कंटेनर में भरकर रख लें और पूरे 6-7 महीने साल भर तक ये पापड़ यूज किए जा सकते हैं। तो आप ये पापड़ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।